अरे तोंडू, बाहर वैज्य और द्वारकानाथ जी नहीं दिखाई दे रहे हैं? मैं उनसे छुपकर आया हूँ। छुपकर? छुपकर क्यों आए हो धोंडू? क्योंकि उनके पत्थर मारने की तीव्रता बहुत है बाबा। आपको यकीन नहीं आ रहा तो इन सब से पूछ लीजिए। आजकल जो भी द्वारिका माई की ओर कदम बढ़ाता है, मेरे वैजी उसका स्वागत पत्थर मार कर करते हैं बाबा। आप हंस रहे हैं बाबा, मेरे वैजी पागल हो गए हैं। अच्छा? हाँ बाबा, उनके पागलपन के डर से मैं छुप कर आया हूँ। बाबा, आज दीपावली का त्योहार है, चारों ओर उजियारा फैला है, मेरे घर में भी उजियारा फैला दीजिए बाबा। बाबा, मेरे वैद्य जी को ठीक कर दो बाबा। बाबा ठीक कर दो, बाबा ठीक कर दो। तोंडू, सिर्फ वैद्य जी को, द्वारिकानाथ जी को नहीं? नहीं। क्या तुम्हें द्वारकानाथ से प्रेम नहीं? थोंडू, प्रेम ही तो दीप है, प्रेम ही तो दीपों की रोशनी है, प्रेम का ज्योति ही तो दीपावली की ज्योति है, यही ज्योत चलाते जाओ, तुम्हारे घर में भी दीपावली का उजाला फैल जाएगा। थोंडू, मेरा आशीर्वाद तो हमेशा तुम्हारे साथ है। सबका मालिक एक। भैया, आप मेरी बातों को भूलना नहीं। उस जमींदार से जितना दूर रह सको उतना ही अच्छा होगा। अगर आपने उसकी बातों में आकर उसे अपनी एक उंगली भी पकड़ाई तो आपकी पूरी बांह पकड़ लेगा। यह सब मैं आपसे इसलिए कह रहा हूं क्योंकि मुझे पक्का यकीन है कि मेरे शहर जाते ही वो अपनी जमीन को हथियाने की पूरी कोशिश करेगा। पर आप उसकी बातों में बिल्कुल मत आइएगा भैया, और अपनी सेहत का ध्यान दीजिएगा। और भैया, आप जो ये मंदिर बनाने का फैसला कर बैठे हैं, इस पर भी दोबारा जरूर सोचिएगा। ये दुनिया ढोंगी और पाखंडियों से भरी है भैया। किशन, तो साईं बाबा के बारे में ऐसी उल्टी सीधी बातें मत कर। क्यों ना बोलूं भाभी, आखिर ऐसा क्या करता है आपका साईं बाबा? ये लोग आप लोगों को धोखा देते हैं और आप लोग धोखा खाते हैं। खाते रहो धोखा, करते रहो इनकी पूजा आरती। मालिक, दूध। मालिक, इतनी रात को भी आप सोए नहीं? नंदो। जी मालिक। ये शंकर का जो भाई है, किशन, किशन नाम है उसका मालिक, शहर में क्या काम करता है? सुना है कचहरी के दफ्तर में है मालिक। कचहरी के दफ्तर में? आप दूध पीकर सो जाइए, किशन कल सुबह शहर वापस जा रहा है। नंदू, हमें जो भी करना है जल्द ही करना होगा।
किशन को वापस जाने दीजिए मालिक, फिर रास्ता साफ है हमारे लिए। वैसे हमारी धमकी ने भी कुछ ना कुछ काम तो किया होगा। ये शंकर बहुत सीधा आदमी है नंदू। सीधा? डरपोक है बिल्कुल मालिक। जब से आपने कहा उसके नाम के सारे कागज जला दिए जाएंगे, उसका चेहरा रोने जैसा हो गया था। पता नहीं ये मंदिर बनाने का क्या भूत सवार हो गया है उस पर। अपनी जमीन से भी जाएगा और पैसे से भी। ये दुनिया मालिक की इच्छा से चलती है, इंसान की इच्छा से नहीं। इंसान की इच्छा से चलती होती तो ये दुनिया कब की खत्म हो गई होती। एक अहंकारी, एक दुष्ट अपने आप को महाशक्तिमान कहने वाला होता तो बस वही राजा होता, वही प्रजा होती, क्योंकि वो इंसान किसी दूसरे इंसान को जिंदा ही ना रहने देता। किसी को खुश देखता तो उसकी खुशी छीन लेता। किसी को अपने परिवार के साथ हंसता देखता तो उसका परिवार खत्म कर देता। कितने घर गिराएगा और कितने लोगों की जमीन हथियाएगा, और हथिया कर करेगा भी क्या? कब तक जीना है उसे? दुनिया की सारी दौलत उसकी, दुनिया का हर इंसान गुलाम उसका, जमीन के हर हिस्से पर इख्तियार उसका, सबसे बड़ा ताकतवर वो, सबकी जिंदगियों का मालिक वो, और अपनी जिंदगी का मौत तो उसे भी आनी है। ये जिंदगी छोड़कर उसे भी जाना है। वो हमेशा रहने वाला नहीं है, हमेशा रहने वाला है मालिक। हमेशा रहने वाला है मालिक का नाम, हमेशा रहने वाली है उसकी भक्ति, क्योंकि संसार चलाने वाला वो मालिक है, इंसान नहीं। संसार को चलाने के नियम उसके हैं, इंसान के बस में नहीं है। अपनी ताकत का दुरुपयोग क्यों? दूसरों पर हुकूमत करने की हवस क्यों? अरे अपने आप पर तो तेरी हुकूमत चलती नहीं, दूसरों पर क्या हुकूमत करेगा तू? अरे तेरी सांस पर तो तेरा वश नहीं है, तो रोक कर दिखा अपनी सांस और जिंदा रहे, रह पाएगा? नहीं। सबका मालिक एक। लड्डू, मैं प्यास लगी है, पानी लाओ ना। लगता है तू बहुत भागदौड़ करके आ रही है। हाँ। अब इसकी भागदौड़ खत्म और हमारी भी। लगता है ये दिवाली हमारे लिए खुशियों का त्योहार बन गई है। भगवान कृपालु है, घर बैठे बिठाए उसने हमारी सुन ली। क्या हुआ? तेरे लिए रिश्ता आया है बेटी। बारात शिरडी से आएगी बेटी। शिरडी? हाँ। ऐसे ही खुश रहो, खुशियां बांटने शिरडी आ रही हो ना बच्ची। शिरडी? शिरडी तो तुम्हें
आना ही होगा बेटी। दीपों की रोशनी से जगमगाती हुई ये रात कितनी सुंदर लग रही है। बाबा कहते हैं कि इंसान को इन जलती दीपों से सीख लेनी चाहिए, जो स्वयं जलकर दूसरों को रोशनी देते हैं। जी हाँ, ये हमारा सौभाग्य है। सच कहूँ तो पूर्व जन्म की कमाई कि हर पल हर घड़ी हमें बाबा का मार्गदर्शन मिलता है। रात तो काफी हो गई है और आप अभी तक यहीं पर हैं? द्वारिका माई नहीं गए? बाबा ने आज रात मुझे यहीं अपने घर में ही रहने के लिए कहा है। तो क्या दीपावली की रात बाबा द्वारिका माई में अकेले ही रहेंगे? नहीं नहीं जी, मुझे अच्छा नहीं लग रहा। अच्छा तो मुझे भी नहीं लग रहा है, लेकिन यही बाबा की आज्ञा है। इस आज्ञा की कोई खास वजह? तात्या, आज दीपावली की रात है। दीपावली में दिए जलते हैं। तात्या, क्या तुम जानते हो कि दिए कैसे जलते हैं? दिए जलते हैं तेल बाती से। तेल और बाती दोनों को मिलकर जलना पड़ता है। सिर्फ तेल से या सिर्फ बाती से दिए नहीं जलते हैं। वैसे ही घर परिवार में खुशी रखने के लिए रोशनी की आवश्यकता होती है, और रोशनी पति और पत्नी दोनों को मिलकर जलना पड़ता है, तभी जाकर परिवार में रोशनी होती है। यही संदेश हमें दीपोत्सव दे रहा है तात्या। हाँ बाबा। अब तुम जाओ घर अपने तात्या, और बहू के साथ उत्सव मनाओ। जैसी आपकी आज्ञा बाबा। और सुनो, आज की रात घर में ही रहना। बाबा, तो क्या आप द्वारिका माई में अकेले रहेंगे? तात्या, इंसान अकेला ही होता है। इंसान अकेले ही आता है, अकेले ही जाता है। इंसान का अकेलापन उसका सत्य है, और इंसान इसी सत्य से डरकर घर बनाता है। घर से परिवार बनता है, परिवार से समाज। इंसान भीड़ में रहना चाहता है, और भीड़ में रहकर भी वो अकेला ही होता है। इंसान अपनापन जाहिर नहीं होने देना चाहता है, वो जीवन को उत्सव की तरह मनाना चाहता है। और इंसान जीवन के सत्य से दूर चला जाता है। बाबा की बातें निराली होती हैं। बाबा जीवन का सत्य भी सामने रखते हैं, और सत्य के साथ उस झूठ को भी, जिस झूठ के सहारे इंसान जी रहा है। बाबा कमल की तरह पानी में रहकर भी अपने आप को पानी का स्पर्श नहीं होने देते हैं। जब इंसान
सत्य को स्वीकार करके जीवन जीता है तो उसका जीवन उस कमल के फूल के समान होता है जो कीचड़ से भरे पानी में रहकर भी उस पानी के स्पर्श से दूर रहता है। वैसे ही इंसान को जीवन जीने के लिए घर परिवार समाज के साथ रहना चाहिए, लेकिन इनके मोह रूपी स्पर्श से बचना चाहिए, क्योंकि वो अकेला आया है, अकेला है और एक दिन अकेले ही जाएगा। यही सत्य है। सबका मालिक एक। लक्ष्मी, लक्ष्मी तुम किसे ढूंढ रही हो? अरे यूं ही गांव की गलियों में घूमती रहेगी या कुछ बताएगी भी? जब तक तो कुछ बताएगी नहीं, हम तुम्हारी मदद कैसे कर सकते हैं? बताओ तो सही। मैं एक फकीर को ढूंढ रही हूँ। फकीर को? हाँ, कल मुझे एक फकीर मिला था और मुझसे कहा खुशियाँ बांटने के लिए शिरडी आओगी ना बेटी, और आज? आज क्या हुआ? मेरे लिए शिरडी से रिश्ता आया है पद्मा। क्या? हाँ मधु, और तब से मैं सोच रही हूँ कि वो फकीर कौन था। उस फकीर की बातों में एक अलग सी आत्मीयता थी दीपा। ऐसा लग रहा था मानो जैसे वो कोई मेरे अपने हों। मैं तुम्हारा अपना ही तो हूँ बेटी। उनकी आंखों में मेरे लिए वात्सल्य था जस्सी, वैसा ही प्यार जैसा एक पिता का अपनी पुत्री के लिए होता है। जब से इस रिश्ते की बात आई है मैं हैरान हूँ। मैं उस फकीर से मिलना चाहती हूँ, परंतु वो फकीर कहीं दिखाई नहीं दे रहा है। लो, आ गई लक्ष्मी। क्या बात है पिताजी? शिरडी से संदेश आया है बेटी, वो लोग तुझे देखने आ रहे हैं। मेरी बच्ची हमें छोड़कर चली जाएगी। नहीं माँ, नहीं। यही दुनिया की रीत है बेटी। आज तेरी माँ तेरे विदा होने का सोच के दुखी हो रही है। ये भूल गई है कि ये भी अपने माता पिता को छोड़कर एक दिन इस घर में आई थी। कहते हैं शादियां ऊपर बनती हैं। ऊपर मतलब भगवान। भगवान ही पति पत्नी को एक दूसरे के लिए बनाकर भेजता है। सच ही है, वरना किसी विदेशी की पत्नी हिंदुस्तानी ना होती और ना ही हिंदुस्तानी पति की पत्नी विदेशी। ये मत भूलो, दोनों के बीच छोटा मोटा नहीं, सात समुंदर का फासला है।
लेकिन मालिक चाहता है तो रिश्ते की डोर सात समुंदर पार तक खींच कर ले जाता है। जिस तरह हम अपनी तकदीर के हाथों कठपुतली हैं, उसी तरह शादी के मामले में भी हमें भाग्य पर निर्भर होना पड़ता है। भाग्य से ही अच्छी बीबी और अच्छा पति मिलता है, भाग्य से ही बच्चे होते हैं और परिवार फलता फूलता है। लेकिन भाग्य सब करता है तो हम क्या करते हैं? हम अपना भाग्य बनाते हैं। हाँ, हम अपना भाग्य बनाते हैं अपने कर्मों से। कर्ता, करवाने वाला वो है, लेकिन करने वाले हम। शादी है क्या? हाँ? एक दूसरे का आदर करो, एक दूसरे को बर्दाश्त करो। हाँ, जिंदगी में एक दूसरे का बर्दाश्त करना बहुत जरूरी है, क्योंकि दोनों इंसान हैं और इंसान तो गलतियों का पुतला है। वो गलती करेगा ही करेगा, लेकिन उसकी गलती को बर्दाश्त भी करना है और माफ भी करना है, तभी शादी शाद रहेगी, आबाद रहेगी। सबका मालिक एक। प्रणाम बाबा। अरे मोहन, तुम तो लड़की देखने जाने वाले थे ना? अरे वो बेचारी तुम्हारी राह देख रही है, जल्दी करो, जल्दी शादी करो और हमारी बहू को जल्दी शिरडी में लेकर आओ। हाँ। मोहन बेटा, बहुत भाग्यशाली हो तुम जो तुम्हारी शादी से पहले ही साईनाथ का आशीर्वाद प्राप्त है। श्री सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। साईनाथ महाराज की जय। इन्हें प्रणाम करो बेटी, ये मोहन के माता पिता हैं। प्रणाम। जीते रहो बेटी, ये है हमारा बेटा मोहन। बैठो बेटी, बैठो। खाना वाना बना लेती हो ना? हाँ, बहुत अच्छा। हमारी बेटी बहुत गुणवान है, अब अपने मुंह से हम क्या तारीफ करें। हमें आपकी बेटी बहुत पसंद है। अब बाकी बातें जो हैं हम बाद में मिलकर तय कर लेंगे। अच्छा। अब हमें आज्ञा दीजिए। नमस्ते। चलो बेटे। बेटी जब मन ही मन में शादी के बंधन को स्वीकार करती है तो समझ लो
जाने अनजाने में उसने अपने होने वाले पति और ससुराल को स्वीकार कर लिया है। सबका मालिक एक। ये अपना किशन तो कमाल का लड़का है, अपना बटवा तो यही भूल गया। किशन, किशन, और देखो संभाल के, जी भैया, ठीक तरीके से खाना पीना। हाँ? तुम्हारा बटवा और खाने का डिब्बा तो वहीं छोड़ा है। रास्ते में भूख लगती तो क्या करते, जेब में पैसे भी नहीं थे तो आपको याद करता। और क्या करता। जीते रहो, जीते रहो। और हाँ किशन, एक बात और, आपकी बार आओगे ना तो कम से कम एक हफ्ते की छुट्टी लेकर आना। तेरी भाभी तुझे साथ लेकर घुमाना चाहती है। पर कहाँ है, दो चार जगह। भाई मैंने तो पसंद कर ली है, तुम्हें पसंद आए ना आए, अब तो मुझे बहुरानी चाहिए। तू जिसे पसंद करेगा ना उसे हम अपनी घर की बहू बनाकर ले आएंगे। अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक है, अब मैं चलता हूँ। शंकर भैया की ऑपरेशन के लिए हम सब ने मिलकर अपना खून दे दिया है, 5 बोतल। भगवान ने चाहा तो सब ठीक हो जाएगा। पार्वती भाभी, आपको वहां दफ्तर में बुलाया है आपके हस्ताक्षर के लिए। प्रचलित नियम है जो हमें पूरे करने पड़ते हैं ऑपरेशन से पहले। चलिए। नेकी और बदी, अच्छाई और बुराई, जब से दुनिया बनी है आपस की दुश्मनी में इनकी दोस्ती हमेशा कायम रही है। और यकीन मानो बुराई का सदा बोलबाला रहा है। बुराई की ताकत ने हमेशा अच्छाई को खदेड़ा है। बुराई की चकाचौंध से हमेशा अच्छाई चौंधियाई है। बुराई ने हमेशा अच्छाई को कमजोर समझकर अपने सामने झुकाने की कोशिश की है, लेकिन अच्छाई ने हमेशा अपनी अंदरूनी शक्तियों को इकट्ठा करके बुराई को परास्त किया है। अच्छाई रोई है, तड़पी है, बड़ी से बड़ी मुसीबतें झेली हैं, लेकिन अंत में जीत का झंडा अच्छाई का ही लहराया गया है, क्योंकि अच्छाई मालिक का आशीर्वाद है। अच्छाई मालिक का ही एक रूप है। अच्छाई में ही सब गुण हैं जिनसे इंसान भगवान को, ईश्वर को खुश कर सकता है। बड़ी अजीब सी बात है, लेकिन सच है कि अच्छाई कदमे छोटी होती है, यानी अच्छा काम करने वाले लोग कम होते हैं,
और बुरा काम करने वाले बहुत, गिनती में दुगने तिगने नहीं, 100 गुना ज्यादा बुरा काम करने वालों को जो चाहिए वो हासिल करने के लिए किसी भी हद तक गिर सकते हैं, चोरी कर सकते हैं, छीना झपटी कर सकते हैं, यहां तक कि हत्या भी कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि बुरा काम करने वाले सबसे पहले अपने विवेक की हत्या करते हैं, ताकि उन्हें अच्छे बुरे में, सच्चे झूठे में, पुण्य में पाप में कोई फर्क ही दिखाई न दे। उन्हें अपना स्वार्थ हमेशा अच्छा लगता है, अपने स्वार्थ के लिए वो दूसरों को दुख देंगे और उसी में उन्हें अपना सुख दिखाई देता है। उन्हें इस बात की चिंता नहीं कि दूसरे पर क्या बीत रही है, कोई परवाह नहीं उन्हें इस बात की कि दूसरे के प्राण संकट में हैं। अपनी खुद की गर्ज को पूरा करना उनके लिए बहुत सुखदायी होता है। वो लोग ये भूल जाते हैं कि जिस पैसे की ताकत पर वो अपना स्वार्थ पूरा करना चाहते हैं, वो पैसा उन लोगों के लिए कोई अहमियत नहीं रखता जो श्रद्धा और आस्था को अपनी आत्मा में बसा लेते हैं। उन लोगों के लिए पैसा व्यर्थ है, फिजूल है। जो अपने मन को उस मालिक की भक्ति की डोर से जोड़ लेते हैं, तब उठते बैठते सोते जागते उनका ध्यान मालिक पे ही होता है। पैसों के लिए उनके पास जगह ही नहीं, वो तो राम में ही लिपटे रहते हैं, लिपट जाते हैं। उनके चारों तरफ ईश्वर ही ईश्वर है, उन्हें हर कहीं हर किसी में मालिक ही दिखाई देता है। सबका मालिक एक। गांव के लोग बहुत अच्छे हैं जिन्होंने ऑपरेशन के लिए अपना खून दिया, लेकिन अस्पताल का खर्चा तो है कि नहीं? जहां पैसा चाहिए वहां तो पैसा ही चाहिए, वहां तो भगवान भी काम नहीं आता। पार्वती भाभी, गुस्से में उस दिन मैं कुछ ज्यादा ही बोल गया था, पर मेरी कोई दुश्मनी तो है नहीं शंकर से। मैं तो आज भी पैसा लेकर आया हूँ। मैं जानता हूँ पार्वती भाभी को जमीन प्यारी नहीं है, अपना पति प्यारा है। जमीनें तो और भी खरीद लेगा शंकर, अगर बचेगा तो। क्यों, मैं ठीक कह रहा हूँ ना भाभी? लो, मैं कुछ कागजात तैयार करके लाया हूँ। डॉक्टर से बात करके उसके हस्ताक्षर ले लेना, और तुम भी यहाँ अपना अंगूठा लगा देना। लो, इसमें 5,500 रुपए हैं, लेकिन आपकी जमीन की कीमत 4,500 से ज्यादा नहीं है। 1,000 मेरी तरफ से शंकर के अस्पताल के खर्चे के लिए हैं। जाओ और आप जल्दी से हस्ताक्षर लेकर आओ, हम आपका यही इंतजार कर रहे हैं। अब सुनो पार्वती भाभी, शंकर जिद्दी है, आप उसे समझाइएगा। जमीन पर साईं बाबा का मंदिर बने ना बने, तुम्हारे मन मंदिर में तुम्हें अपने पति परमेश्वर की मूर्ति सदा चाहिए। तुम्हारा इंसान जब खुद को चालाक समझता है तब वो कितना दूर तक सोच लेता है। उसे ऐसा लगता है जैसे पैसा ही सब कुछ है, बगैर पैसे के कुछ नहीं हो सकता।
वो पैसे की ताकत के आगे तुम्हारी सत्ता को चुनौती देता है, तुम्हारी सत्ता के सामने प्रश्न चिन्ह लगा देता है। वो भूल जाता है कि पैसा उस बरसाती नदी के जल की तरह है जो आज है कल नहीं रहेगा, परंतु तुम्हारी सत्ता अटल है, अमर है। यदि इंसान के पास पैसा है, धन है, सुख है, संपत्ति है, तो वो तुम्हारी कृपा है मालिक। एक कृपा इंसान को तुमसे दूर ले जाती है, वो भूल जाता है कि आज जो कुछ भी उसके पास है वो मालिक की कृपा है। वही दूसरी कृपा इंसान को तुम्हारे करीब ले आती है। इंसान दुख में तकलीफ में सिर्फ तुम्हें याद करता है मालिक। दोनों ही इंसान तुम्हारे हैं मालिक, फिर भी कितना फर्क है मालिक। एक पैसे को अपनी ताकत समझता है और दूसरा तुम्हारी सत्ता को मालिक। सबका मालिक। अब रोने से क्या फायदा शिवु? जो होना था वो हो गया। क्या तुम्हारे रोने से जो सामान चोरी हो गया क्या वो वापस आ जाएगा? अरे ये सब क्या माल सपति जी के घर में चोरी? समझ लो कि जो सामान चला गया वो हमारा था ही नहीं। क्या मन को समझा देने से मन मान जाएगा? तिनका तिनका जोड़कर हमने घर बनाया, फिर भी हमारा घर खाली था। दो वक्त की रोटी कैसे जुटती थी वो आप भी जानते हैं और मैं भी। फिर भी चोर को हम पर दया नहीं आई। ना अब घर में बिछाने के लिए दरी है, न पकाने के लिए बर्तन। मुझे उस चोर का पता चल जाए ना तो मैं उसकी टांगे तोड़ दूंगा। मैं तो उसे उठाकर शिरडी से बाहर फेंक दूं। चोर हमारी शिरडी का नहीं हो सकता है नानावली। अरे कैसे नहीं हो सकता नूरबाजी? क्योंकि महालसा पति जी बाबा के परम भक्तों में से एक हैं। शिरडी के सभी लोग ये जानते हैं कि महालसा पति जी के घर में चोरी करना तो दूर, इनके बारे में कोई बुरा सोच भी नहीं सकता है। अरे शिरडी में ही क्यों, अगर देवा चाहे ना तो महालसा पति के बारे में कोई भी बुरा नहीं सोच सकता। लेकिन गुरु जी, मालसा पति जी के साथ बुरा तो हुआ है ना, इनके घर में चोरी हुई है। यही सवाल तो मुझे देवा से पूछना है कि मालसा पति जी के साथ ऐसा क्यों हुआ। नहीं गुरु जी, हम साईनाथ से कोई सवाल नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे सवाल? अरे वो देवा है हमारे, हक है हमारा उन पर। वही हक हमें ये कहता है गुरु जी कि हम उनके कहे को समझें। उन्होंने ही कहा है जो भी होता है वो इंसान के भले के लिए होता है। हर घटना अपने अंदर भूत वर्तमान और भविष्य को समेटे हुए है जो हमें दिखाई नहीं देता, इसलिए जो हुआ है उसे मालिक की मर्जी समझो। मुझे पूरी तरह से इंतजा है गुरुजी, इसमें भी मालिक की कोई मर्जी ही होगी और ये बात साईनाथ अच्छी तरह से जानते होंगे। मूर्ख है वो चोर, ज्ञानी है, बेअकल है। चोरी करना जानता है
लेकिन ये नहीं जानता कि क्या चुराना चाहिए, किस चीज की क्या कीमत है, ये उसे पता ही नहीं महालसापति। हैरानी की बात तो ये है साईनाथ कि चोरी उस वक्त हुई जब शिवू घर में थी। ये काम शिरडी में रहने वाले का नहीं है बाबा, इतने सालों में हमने चोरी का सुना ही नहीं है देवा। आपने अड़ोस पड़ोस में पूछा महालसापति जी, कहीं कोई गलती से ले गया हो? नूरबाजी, हमने घर में ना तो कोई पूजा पाठ रखी थी और ना ही कोई भोज रखा था जो पड़ोसियों को निमंत्रण देता, और भूल से कोई हमारे बर्तनों को अपना बर्तन समझकर ले जाता, और वो शतरंजी तो बहुत पुरानी थी। इसलिए शिबू भाभी को उसके गुम होने का ज्यादा अफसोस है। उस शतरंजी से उनकी पुरानी यादें जुड़ी हुई हैं। लेकिन चोरी करने वाले की जगह कोई समझदार होता महालसापति, तो ना तुम्हारे घर के बर्तन चुराता, न शतरंजी, न ही पैसा। वैसे भी पैसा कहाँ है तुम्हारे पास? चोरी करता तो तुम्हारे पुण्य की चोरी करता था। पुण्य चुरा कर ले जाता तो तुम्हारी उम्र और लंबी हो जाती महालसापति। पता है क्यों? तुम्हें और पुण्य कमाना पड़ता है ना। सबका मालिक।